नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जेंटलमैन, हम सब लोग समाज के उस तबके को रिप्रेजेंट करते हैं जो समाज चलाता है और उसकी रहनुमाई करता है। इसलिए अगर समाज चरित्र, आदर्श और न्याय के लिए हम सब की ओर आंख उठाकर देखे तो यह उसका अधिकार है, और अगर उसको इसमें कोई दोष दिखाई दे और वो उंगली उठाए तो उसके शक को दूर करना हम सबका कर्तव्य है। ये हैं श्री विलास राव चौधरी। जैसा कि आप जानते हैं, श्री चौधरी स्टेट मिनिस्टर हैं। आज इन पर तरह तरह के इल्जाम लगे हुए हैं। कहा जाता है कि इनकी रतलाम की दवाई बनाने की फैक्ट्री में बीमारों को ठीक करने वाली दवाइयां तो कम बनती हैं, लेकिन नौजवानों को मौत के मुंह में धकेलने वाली मेंड्रिक्स, कोकेन और ब्राउन शुगर कुछ ज्यादा ही बनती हैं। भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के इल्जाम भी इन पर हैं। दरअसल इनकी एक सीबीआई इंक्वायरी कराई गई थी, लेकिन इससे पहले कि इंक्वायरी की रिपोर्ट सरकार तक पहुंचे, न जाने वो फाइल सीक्रेट कस्टडी से कब और कैसे गायब हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, उस इंक्वायरी से जुड़े हुए सारे ऑफिसर्स एक बस एक्सीडेंट में उस वक्त मारे गए जब वे डिपार्टमेंट के किसी काम से पूना जा रहे थे। वे सब लोग एक ही बस में क्यों और किसकी प्लानिंग से इकट्ठा हुए थे,
ये पहली आज तक पहली ही बनी हुई है। विलासराव चौधरी पर लगे इल्जामात में कितने सच्चाई के करीब हैं और कितने शक के, इसका फैसला करने के लिए सेंटर ने एक इंक्वायरी कमीशन बिठाने का निर्णय लिया है। इस कमीशन को अपनी रिपोर्ट 3 महीने के अंदर देनी होगी। कमीशन के चेयरमैन होंगे रिटायर्ड जस्टिस कृष्णकांत धर्माधिकारी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सिद्धार्थ कृष्णकांत धर्माधिकारी। नेम सिद्धार्थ धर्माधिकारी, सन ऑफ कृष्णकांत धर्माधिकारी, एजुकेशन बीकॉम, पासिंग मार्क्स 88%। कृष्णकांत धर्माधिकारी, भैया कृष्णकांत धर्माधिकारी वही तो नहीं है 65 के आईएएस के बैच वाले मुरादाबाद के? जी। अच्छा, अरे वो तो मेरे बचपन के दोस्त हैं, अच्छी तरह जानता हूं उन्हें। तो तुम उनके बेटे हो? लेकिन एक पार्टी में उनसे मुलाकात हुई थी, वहां कह रहे थे वो कि उनका बेटा तो किसी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में ट्रेनिंग ले रहा है। वो मैं नहीं हूं। अच्छा, तो तुम्हारा छोटा भाई होगा? मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, वो दूसरा है। दूसरा? सौतेला होगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कृष्णकांत जी के दो बीवियां हैं। बड़े छुपे रुस्तम देख ले, ऐसे लगते तो नहीं थे, अब तो पांचों उंगलियां घी में हैं, खूब मजे उड़ा रहे होंगे। ये बताओ, तुम लोग सब इकट्ठे रहते हो या अलग अलग? आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं या मेरे पापा का? अरे बेटा, एक ही स्कूल में कई साल इकट्ठे पढ़े हैं, उनके बारे में जानकारी लेना चाहता हूं। भाई ये बताओ कि ये कृष्णकांत जी किस औरत के साथ ज्यादा रहते हैं? यू बास्टर्ड! फिक्र मत करो, जिंदा है। गए ना हमें देखकर कि हम एक मंत्री होकर आपके ऑफिस में खुद आए हैं। तबीयत खुश हो गई ये सुनकर जब हमें पता लगा कि आप इंक्वायरी कमीशन के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। बैठ जाओ। हमारे देश में ईमानदार और सच्चे आदमी की कोई कदर नहीं करता। अब देखिए ना, आप जैसे क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर के लिए सरकार ने क्या किया। आपको इस केस में कितनी दौड़ धूप करनी पड़ेगी, कम से कम आपको एक एयर कंडीशन गाड़ी तो दे देते। खैर कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से आपको एक इंपोर्टेड एयर कंडीशन गाड़ी भेंट करता हूं। सक्सेना साहब जी, इनको गाड़ी की चाबियां दे दीजिए। बस अब आप जल्दी से इंक्वायरी की रिपोर्ट सरकार को भेज दीजिए और फिर मेरी तरफ से परिवार सहित स्विट्जरलैंड घुमाइए। वहां मैं बैंक का इंतजाम भी करवा दूंगा। विलासराव जी, आप थोड़ा अपने दाएं घूम जाइए। जी हाँ, वो कैमरे में चेहरा पूरा आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मंत्री जी, जब मुझे इस इंक्वायरी कमीशन की जिम्मेदारी दी गई तो मैं सोच रहा था कि इतने बड़े आदमी के खिलाफ गवाही कौन देगा, पर देखिए कमाल, आज ही मैंने आपकी इंक्वायरी शुरू की और आज ही विलासराव चौधरी खुद अपने खिलाफ गवाही देने चला आया। मेरे ख्याल से इस फिल्म से अदालत कम इतना तो मान लेगी कि
इतनी बड़ी रिश्वत देने का मतलब है कि दाल में जरूर कुछ काला है। लेकिन धर्म अधिकारी साहब, पहले तो आपको अदालत में यह साबित करना होगा कि यह रिश्वत है। दुनिया जानती है कि लोगों की मदद करना और दान देना विलासराव चौधरी की आदत है। एयर कंडीशन कार, स्विट्जरलैंड की सैर, बैंक का काम, इतना बड़ा दान तो कोई दानवीर भी नहीं दे पाया है। मंत्री जी, आपको पसीना आ गया है। एयर कंडीशन की आदत जो है, और अनफॉर्चुनेटली ये ऑफिस एयर कंडीशन नहीं है, लेकिन आप आदत डाल लीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान की जेलें अभी एयर कंडीशन नहीं हुई हैं और आप वहां बहुत जल जाने वाले हैं। धर्म अधिकारी, चिल्लाओ मत, तुम जा सकते हो। विलासराव चौधरी, तुम्हारी एयर कंडीशन कार की चाबी। कृष्णकांत धर्म अधिकारी, एक बात याद रखना, विलासराव चौधरी के खिलाफ तुम्हें कभी कोई सबूत नहीं मिलेगा। चल, कल निकट में मिलेंगे। आज का अखबार पढ़ा था? क्यों, ऐसी क्या बात है इसमें? पापा को विलासराव इंक्वायरी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है पापा को। जो आदमी 22 साल से अपने घर की जिम्मेदारी को नहीं निभा पाया, वो दूसरों की जिम्मेदारी क्या निभाएगा? सिद्धार्थ आगे बैठे। माँ, तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं, तेरा ही इंतजार कर रही थी। ला, मैं खाना गरम कर दूँ। रहने दो माँ। तेरा इंटरव्यू कैसा रहा? ओफो माँ, छोड़ो ना इंटरव्यू को। तेरे पापा काफी देर तक तेरा इंतजार करते रहे, कह रहे थे बहुत जरूरी काम है, कल उस घर बुलाया है। क्या हुआ, खाना तो खा ले। सिद्धार्थ, मैंने कुछ कहा तुझे? तेरे पापा ने तुझे बुलाया है। क्यों, दादी माँ के ताने सुनने के लिए? अगर वो तुम्हें ताने देती हैं, तो इसमें तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी। कुछ भी हो, वो तुम्हारी दादी हैं। लेकिन उन्होंने कभी मुझे अपना पोता नहीं समझा। भैया, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। यही ना कि मैं पापा को मिलने जाऊं? तुम क्या समझते हो, मैं जानती नहीं कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। भैया, मेरे लिए ना सही, अपने लिए ना सही, पर मां की खातिर तो उस घर जा सकते हो। उसके चेहरे पर तुम्हारे जाने से मुस्कुराहट आ जाएगी। भैया, पापा है। सुबह सुबह अपनी मनहूस सूरत लेकर यहाँ क्यों आए हो? अभी तो महीना पूरा नहीं हुआ, पहली तारीख को बहुत दिन है। मुझे पापा ने बुलाया है। पापा ने बुलाया है? न जाने क्या जादू कर दिया उस औरत ने मेरे बेटे पर, सारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी। दादी माँ, बाहर के लोग मुझे बीबी जी कहकर बुलाते हैं। निकल जाओ यहाँ से।
बेटा कल जो तूने मिस्टर खरे के साथ हरकत की अच्छा नहीं किया। अपने गुस्से पर काबू करना सीखो। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी का इंतजाम किया है, इस आदमी से मिल लेना, लेकिन उसे ये मत बताना कि तुम मेरे बेटे हो। नाश्ता ठंडा हो रहा है। दरअसल ये आदमी रुक्मणी का मसेरा भाई है। अच्छा बेटे, उसकी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? मां कभी कभी तुम सिद्धार्थ मेरा अपना खून है, मेरा अपना बेटा है, पर मेरा पोता कभी नहीं हो सकता। हाँ हाँ पता है, तुम्हारा कोई नहीं लगता। पिछले 22 साल से तुम्हारी लगातार रट सुनते सुनते मेरे कान पक गए। उसे पैदा करके मैंने तुम्हारे वंश को कलंकित किया, तुम्हारी मर्यादा को मिट्टी मिला दिया। आज सुन लो माँ, अगर उस परिवार को अधिकार नहीं मिला तो उसकी वजह तुम हो। अगर मैंने तुलसी को अपनाया है तो उसकी वजह तुम हो। न तुम्हारी आंखों मैंने पोते की चाह देखी होती, न जिंदगी भर इस घुटन का सामना करना पड़ता। हाँ पता है, लेकिन अब वो दिन भी दूर नहीं जबकि माँ बेटे दोनों हमारी जायदाद तक में हिस्सा लेने चले आएंगे। माँ तुलसी ने कभी रुक्मणी के अधिकारों को छीनने की कोशिश नहीं की, उसने तो हमें अपनी कोख का दान दिया, इस वंश को चलाने के लिए पहला चिराग दिया, पहला धर्माधिकारी दिया। ये तो भगवान की कृपा हुई कि रुक्मणी ने गौतम को जन्म दिया। गौतम और सिद्धार्थ मेरे लिए हमेशा एक थे और हमेशा एक रहेंगे। इन लोगों को ना मैंने पहले कभी अपनाया था, ना मैं अब अपनाऊंगी। और याद रखना, इस घर का और हमारे वंश का हकदार सिर्फ गौतम है, मेरी बहू और तुम्हारी धर्म पत्नी रुक्मिणी की कोख से पैदा हुआ गौतम। गौतम कृष्णकांत धर्माधिकारी। अगर तुम धर्माधिकारी के बेटे नहीं होते तो अभी तक मैं तुम्हारे खिलाफ बहुत सीरियस एक्शन ले चुका होता। I'm sorry, sir. It's no use being just sorry.
अगर तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी फ्रस्ट्रेशन इस तरह थोड़ी निकालते। कंट्रोल, अपने आप पे कंट्रोल रखना सीखो। अभी तो तुम्हारे करियर की शुरुआत है। और बेटे, एक कमिश्नर की हैसियत से नहीं बल्कि तुम्हारे बाप के दोस्त की हैसियत से मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा कि अगर तुम अपने बाप की इज्जत को बढ़ा नहीं सकते तो उसे कम भी ना करो। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि इस शहर में तुम्हारे बाप की कितनी इज्जत है। यू मे गो नाउ। सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आइंदा से आप मेरे पापा के बारे में याद ना दिलाएं। हाँ, तुम कितना कह रही थी इस बार बिजली का बिल कितना है? 180 रुपए। 180 रुपया ये, और ये 400 रुपए तेरे लिए। मेरे लिए? हाँ, वो तू कह रही थी ना कि कोई पंजाबी सूट चाहिए तुझे। रख ले, रख ले। अब रहने भी दीजिए, शादी के बाद सलवार कुर्ता पहनेगी या साड़ी? अरे तुलसी, मेरे दो बेटे हैं लेकिन बेटी तो एक ही है, इसलिए जब तक ये अपने बाप के घर में है ये वो पहनेगी जो इसका दिल करेगा। हाँ, जब ये अपने ससुराल चली जाएगी तो वो पहनेगी जो इसके मियाँ का दिल करेगा। ठीक है, मगर अब आप पीना बंद करिए। ओफो तुलसी, कमाल है, आज अपनी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे घर में करके आया हूँ तो क्या मैं दो पैग भी ना पीऊँ? हाँ, दो पैग? पापा, आप ऑलरेडी 4 पैग पी चुके हैं। नहीं नहीं, 2 पैग पिए हैं। 4 पैग? अरे मैंने 2 पैग पिए हैं। 4 पैग? अच्छा बाबा, अच्छा अब मैं ये इतना खत्म कर लूँ तो फिर मैं चला जाऊंगा। बस अच्छा मैं चलता हूँ तुलसी। अरे आप जरा रुकी, मैं सिद्धार्थ को भेजती हूँ, वो आपको छोड़ आएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी क्या जरूरत है, मैं चला जाऊंगा। सिद्धार्थ, उन्हें उस घर छोड़ा जा। सिद्धार्थ, जाकर बोल दो उन्हें अगर नशे की हालत में गाड़ी नहीं चला सकते तो वापस जाने के लिए अपने लाडले गौतम को साथ ले आया करें। मैं नहीं जाता वहां। लाडले तो उनकी तुम भी हो, लेकिन ये उनकी बदकिस्मती है कि उनके प्यार को तुमने कभी समझा नहीं। ठीक है, मैं ही टैक्सी से उन्हें छोड़ाती हूं। मां, तू चुप क्यों है? हां, मैं जानता हूं तुम इसे नाराज है बेटा, लेकिन तू मेरी जिंदगी का चांद है। मैं जानता हूं मैं तेरे लिए एक अच्छा बाप साबित नहीं हो सका गौतम बेटा, लेकिन मैं तेरी माँ के लिए एक अच्छा पति जरूर साबित हुआ हूं। मेरा यकीन करो, यकीन करो गौतम बेटा। मैं गौतम नहीं हूं। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। लगता है तेरे पापा आ गए हैं। आया नहीं, लाया गया है। शराब के नशे में धुत करके भेजा है उसे। हे भगवान, ये माँ बेटे ना जाने कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हैं हमारे खानदान से। Thank you.
खाना मैं ठीक हूँ। थोड़े से पैर भी चले गया था वहाँ पर। सिद्धार्थ बेटा, तू नहीं जानता मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूँ। अब तू घर जा और माँ से कहना कि मैं ठीक ठाक घर पहुँच गया। माँ को बहुत फिक्र होती है मेरी। मैं गौतम बहुत फिक्र कर दिया। पहले के पैसे दे, बहुत उधार हो गए हैं। दे दूंगा ना यार, कड़की चल रही है, चल ला। बुढ़ाओ धुआं धुआं और धुआं। लो आ गया बोर। जला है दिल, जला है जहां, इस जलती दुनिया को छोड़कर जाऊं कहां। आओ यहां, शायर आजम आइए, तशरीफ लाइए। क्या हुआ, नौकरी मिली? कहां यार। अरे नौकरी और डिग्री की बात अपने सामने मत कर। राजाओं ने कभी नौकरी की है क्या? राजा? हाँ राजा। यंग मैन, आज मैंने तुम लोगों को यहां इसलिए बुलाया है कि जिंदगी की नई शुरुआत से पहले और पुलिस ट्रेनिंग की कड़ी मेहनत के बाद तुम लोग जिंदगी का लुत्फ उठाओ, खाओ पियो एंड हैव अ नाइस टाइम बॉयज। ए भाई थोड़ा बचा के रखना, हम लोगों ने कुछ खाया नहीं बराबर। हाँ। थोड़ा रायता भी देना। रायता पीने के लेटना। हाँ। ये दोनों कौन है? ये दोनों हवलदार ईमानदार और हवलदार वफादार हैं। लगता है अपनी तारीफ हो रही है। अपनी बात ही ऐसी है, जहाँ चार आदमी जमा होते हैं अपनी बात करते हैं पूरे इंडिया में। फिक्र मत कर, तू खा तू। हम कहते हैं 12 साल में कचरे के दिन भी फिर जाते हैं, पर ये दोनों 24 सालों से वही के वही हैं। लगता है कुछ ज्यादा ही बोला, मैं उसको जरा ठीक करके आता हूँ। भाई साहब इसको उठाना नहीं, हम लोग आ रहे हैं वापस। रुमाल उसकी जेब से। आपस में क्या घुसर घुसर कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। क्या है कि हम लोग कोई वर्दी से बिल्ले से इतना प्यार है कि उतारने को मन ही नहीं करता। मैं तो रात को भी ये पहन के सोता हूँ, नहाते-धोते में ही पहनता है कि नहीं। अरे बिल्कुल, पुलिस कमिश्नर बना दे तो भी ये वर्दी नहीं बदले। मैं तो बन गया था पुलिस कमिश्नर, मैंने कहा हट, ये वर्दी कौन उतारेगा, मैं बना ही नहीं पुलिस कमिश्नर। मना किया। क्या नहीं बने तुम सर? कुछ नहीं। तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ? हम लोग आपकी तारीफ खाने आए थे। खाना खाने आए। बिहेव योरसेल्फ। ओके यस सर। ये हमारे बचपन के दोस्त ही है, अभी ऐसे तुम लोगों को दिखाने के लिए डांट रहे थे, तो हम लोग के साथ तो गुल्ली डंडा खेलते हैं। गुल्ली डंडा गुल छर्रे। बेटी अंजलि तुम यहाँ? ओह डैड, बस देख रही थी पार्टी कैसी चल रही। सुपर्ब डैड, इट्स फार आउट। फार आउट, थैंक यू। और सब कुछ ठीक है भाई? जी सर, थैंक यू सर। सब ठीक? देखा हराम का माल खाता ना, इसलिए डका रहती थी। तुम भी तो खा रहे थे। मेरे को नहीं आती है। क्या कर रहा है यार ये? यार घर में बच्चे भी भूखे, उनको नहीं खिलाऊंगा क्या यार? कब तक मां मंगे खाते रहेंगे? नीचे करना, छुपाना यार। कितना नीचे करूं, ग्राउंड फ्लोर पे ले जाऊं क्या? अरे मोटू। अरे मरता भी नहीं आदमी यार। हवलदार ईमानदार, हवलदार वफादार। सर ये क्या हो रहा है? सर आपकी तारीफ कर रहे थे हम लोग। हाँ लेकिन ये क्या है? सर क्या अपने भाई लोग एक साथ में इतने जमा हो गए ना, तो मेरा सीना खुशी से फूल गया है सर। लेकिन तुम्हारा पेट फूल गया है। वो मेरा सीना थोड़ा नीचे उतर गया सर। अरे एक बात बोलूं सर, किसी को बोला मत, मेरी शर्म आती है। मैं है ना बाप बनने वाला हूँ। लेकिन पेट तो औरत का फूलता है, मुझे बिल्कुल उल्लू का पठार समझ रखा है क्या? कहाँ गए? चली क्या होगा तेरा? ले Thank you.
अभी अभी तो ये थी, कहाँ चली गई यार? क्या पटाखा थी यार, किसी ने गाड़ी का नंबर नोट किया? नंबर दिखाई कहा यार? सिद्धार्थ, गीता, भैया माँ का फिर से ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तू घर जा, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। भैया तुम तो जानते हो माँ की बीमारी की वजह क्या है, पापा का इतने दिनों घर ना आना। मैंने उनके ऑफिस में फोन किया था तो पता चला वो बीमार हैं। माँ ने कहा है तुम उस घर जाके मालूम करके आओ पापा कैसे हैं। मैं उस घर जाऊँ अपनी बेइज्जती कराने? अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं जाती हूँ। अरे सिद्धार्थ बेटे आओ आओ। हरिया काका मुझे पापा से मिलना है, उनसे कहिए मैं आया हूँ। पापा पापा पापा, तुम सब लोग मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़े हो? इस घर की सुख शांति के दुश्मन, आखिर चाहिए क्या तुम्हें? मेरे बेटे की एक गलती के कारण इस घर को और कितनी सजा दोगे तुम लोग? मैं सिर्फ ये मालूम करने आया था कि मिस्टर कृष्णकांत धर्माधिकारी कैसे हैं, क्योंकि मेरी माँ को उनकी बीमारी और अपने बेटे की इज्जत से ज्यादा उनकी फिक्र है। और मुझे सिर्फ इस घर की, इस खानदान की इज्जत की फिक्र है, जिसके नाम पर एक बदनुमा दाग बन गए हो तुम लोग। चले जाओ यहां से और खबरदार तो यहां दोबारा कदम रखा, निकल जाओ यहां से, चले जाओ फौरन। और ये इंस्पेक्टर शेर बहादुर गुड नाइट सर। यहाँ क्या हो रहा है? हम लोग अपनी ड्यूटी, ड्यूटी हो रही है, शराब पी करके मटक के नाच के ड्यूटी हो रही है। शर्ट कहाँ है तुम्हारी? और ये जूता? जूता ये नहीं। अच्छा, तुम दोनों को सस्पेंड किया जाता है। आपके हाथों में लाल चूड़ियां बहुत अच्छी लगती है बहन जी। ले लो, बहुत अच्छी है। अच्छा ये दे दो। अच्छा जी, कितने हुए? कुछ नहीं, आपसे जास्ती थोड़े लेंगे, आज करवा चौथ है, 50 दे दीजिए। अच्छा ठीक है। माँ पापा चले। रुक्मिणी बहन का व्रत खुलवाकर आना चाहिए था। बरसों से तो यही करता आ रहा हूँ, आज यहाँ पहले आ गया तो क्या फर्क पड़ता है? तुलसी, 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 माँ क्या हुआ? माँ को सिद्धार्थ, डॉक्टर मुखर्जी को लेकर आओ जल्दी। तुलसी, पापा, तुलसी, 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 सुबह उसे समझा दिया था कि आज करवा चौथ है, घर जल्दी आ जाना।
दादी माँ करवा चौथ सिर्फ इस घर में नहीं है, कोई और जगह भी है। मैं चला जाऊंगा तुलसी, तुम लेटी रहो। नहीं नहीं, आप फौरन चले जाइए, वो दिन भर की भूखी प्यासी आपका इंतजार कर रही होगी। जाइए। जाता हूं, जाता हूं। गीता, मां का ख्याल रखना। पापा, शुक्रिया। रो मत बहू, जिस बात का बरसों से फैसला नहीं हुआ वो आज हो जाएगा। रो मत। रुक्मणी, I'm sorry, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अगर तुम नहीं भी आते तो ये बेचारी क्या कर लेती? भूखी प्यासी तुम्हारा इंतजार करती रहती, इंतजार करते करते बेहोश हो जाती, शायद मर भी जाती। माँ, मैंने जानबूझकर आने में देर नहीं की। तुमने देर नहीं की, तुमसे देर करवाई गई है। वो तो रुक्मिणी की मौत चाहती है, और तुम क्या चाहते हो? माँ, चिल्लाओ मत। बड़े न्याय मूर्ति बने फिरते हो, सारी दुनिया का न्याय करते हो, अपनी पत्नी के साथ तुम्हारा ये न्याय है? सवेरे से बेचारी भूखी प्यासी तुम्हारे इंतजार में बैठी है और तुम उसके साथ? माँ, मैं जानता हूँ रुक्मिणी भूखी प्यासी है, शायद तुम्हें पता नहीं कि उसकी क्या हालत थी। अगर मैं उसे ऐसी हालत में छोड़कर यहाँ चला आता तो माँ, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता था। आप एक अच्छे बाप तो बन नहीं सके, कम से कम एक अच्छे पति तो बन के दिखाइए। लग रहे हो। काश इस पंचिंग बैग की भी जबान होती तो ये जरूर कहता, अरे यार घर का गुस्सा मुझ गरीब पर क्यों उतार रहा है। I'm sorry.
कैसे आई? तुम ऊपर कैसे पहुंची? गौतम, जब से तुमने मुझे आई लव यू कहा है, मेरा दिल और किसी चीज में नहीं लगता। कहो ना, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? इतनी सी बात कहने के लिए तुम सवेरे सवेरे यहाँ पर आईं? बोलो ना, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ। तो फिर अब जल्दी से कह दो जो तुमने कल जिम में कहा था। Please। I love you। फिर से। जल्दी। I love you। इतना जोर से क्यों चिल्लाते हो? जरा प्यार से, जरा रोमांटिक मूड में। I love you। फिर कब मिल रहे हो? गौतम, किससे बात कर रहे हो बेटे? ओए ओए, ये क्या प्यार करने का स्टाइल? वो कमिश्नर की बेटी है, तेरे से तरीका पूछ के प्यार करेगी क्या? करने दो उसको। अरे वो आगे आगे। क्या मतलब? अरे अरे अरे, कुत्ता भाग, कुत्ता कुत्ता कुत्ता। अरे 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 भाई नहीं, अरे अरे अरे, ये आपको बेकार आदमी। अरे बाप रे, भाई नहीं, अरे 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 मेरे भाई, ए मेरे भाई। अरे यार, क्यों भौंक रहा है? एक तो नौकरी नहीं, हफ्ता नहीं, जेब में एक ढेला नहीं, कुछ मिलेगा क्या तेरे को? अरे नहीं, अरे 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 अरे, क्या करता है यार? तू भी कुत्ता है, वो भी कुत्ता है, कुत्ता कभी कुत्ते को काटता है क्या? और उसमें सब गैस भरी, तो उसको काटेगा ना, तो उसकी गैस तेरे अंदर भर जाएगी, तो गुब्बारे की तरह ऊपर चला जाएगा। ये बात सुन नजीका, आजा बेटी, आजा आजा। ये बस, ये बेचारे की बहुत बुरी हालत है। चार दिन से गैस खाकर और पानी पीकर जिंदा पेट बड़ा हो गया इसका। तो इसके वास्ते कहीं से चार हड्डियां लेकर आना। अगर तूने इसको मने से बचा लिया ना, तो कुत्तों के इतिहास में तेरा नाम इंसानों से भी ऊपर लिखा जाएगा। ये क्या कर रहे? नहीं सुन तो सही। ये कुत्ते को क्या बोला? निराश होके चला गया। अरे मैंने तेरे वास्ते बोला है, चार दिन से भूखा, इसके वास्ते कहीं से चार हड्डियां चुरा के ला। हाँ, तो वो क्या बोला? बोलता कुत्ते से हड्डियां मांगते शर्म नहीं है तो कुत्ता कहीं का? नालायक कुत्ता। अरे नहीं भाई, तेरे को नहीं बोला यार। अरे जाने दो ना, क्यों कुत्ते का मुंह लग रहा है यार। हाँ ठीक है, जाने दो। नमस्ते भाई साहब। हाँ, जा भाई, जा जो जो जा। अरे यार, अजीब बात है यार। Yeah.
एक्सीडेंट? इस गाड़ी के मालिक का पता चाहिए। ठीक है, एक हफ्ते के बाद पता ले जाना। कल आकर पता ले जाना, शाम को पता मिल जाएगा। एक घंटे के बाद पता ले जाना, आपको पता चाहिए ना। अभी देता हूं, आप बैठिए ना। वो दूसरा, हाँ, 6x4 वसंत विहार मलाबार हिल बंबई। और जाने का रास्ता भी बताता हूं। देखिए, ये जो मलाबार हिल बस स्टैंड पर आप उतरेंगे ना, वहीं से एक लेफ्ट रास्ता जाता है, वहीं से चौथा बंगला है वसंत विहार। आप समझ, अरे चले गए। क्यों चौंक गई? हाँ, मैं भी चौंका करता था जब तुम आई लव यू कहकर गायब हो जाती थी। खैर, मैं किसी का कर्ज नहीं रखता। आज मैं तुम्हें ऐसा तोहफा दूंगा जो तुम हमेशा याद रखोगी। कुछ नहीं, फिर से बोल, क्या बोला तू? कुछ भी नहीं। बोल, ए, अपने आप को क्या समझता है तू? हाँ, इधर का दादा नहीं, राजा। इस फाइल में तेरा नाम पढ़ा, आज से एरिया मेरे अंडर में है। आइंदा अगर तेरी एक भी कंप्लेन। इंस्पेक्टर, यह आम रास्ता है, तुम्हारा घर नहीं। आम रास्तों से ही तेरे जैसी गंदगी साफ करना पुलिस वालों का काम है। वर्दी के बल पर उछलने वाले पुलिस अफसरों से राजा डरा नहीं करता। जाओ, मैं दुआ करूंगा कि वो दिन जल्दी आए। मैं पूछ सकता हूं मेरा जुर्म क्या है? किस बुनियाद पे मुझे यहां लाया गया है? बिना लाइसेंस के रिवॉल्वर रखना और गैर कानूनी खतरनाक जहर पोटेशियम साइनाइड बनाना, अगर जुर्म नहीं तो क्या है? यह झूठ है। 40 कत्लों के जिम्मेदार यूपी के खतरनाक मुजरिम मुन्ना को अपने घर में छुपाना, ये जुर्म नहीं तो क्या है? ये किसने कह दिया आपको? विलास राव चौधरी केस से जुड़े तमाम पुलिस अफसरों की एक साथ हत्या, ये सब क्या है? ये बेबुनियाद है। तुम्हारे फार्म हाउस से मिले ये सारे कागजात बताते हैं कि तुम विलास राव चौधरी के सिर्फ ये ही नहीं बल्कि उसके तमाम गुनाहों के बराबर के साथी हो। ये बिल्कुल झूठ है। अगर ये झूठ है तो अलग अलग बैंकों में तुम्हारे नाम जो 25 लाख रुपए जमा है वो कहां से आए? तुम्हारे पास बंबई में 4 फ्लैट हैं, फार्म हाउस है जिनकी कीमत 1 करोड़ रुपया है, वो कहां से आया? आखिर विलास राव चौधरी अपने पीए को तनख्वाह कितनी देता है? देखो सक्सेना, अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। तुमने जो भी लेडी इंस्पेक्टर को नशे की हालत में विलास राव चौधरी के खिलाफ कहा है वो सब उसने टेप कर लिया है। विलास राव चौधरी तुम्हें और तुम्हारे बीवी बच्चों को छोड़ेगा नहीं, और पुलिस डिपार्टमेंट तुमसे मारपीट कर सब कुछ उगलवा लेगा। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचा है, तुम विलास राव चौधरी के खिलाफ सरकारी गवाह बन जाओ। देखो, घबराओ मत, ये राज राज ही रहेगा। हम तुम्हारी और तुम्हारे बीवी बच्चों की सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। जी, क्या करना होगा?
यह हम तुम्हें वक्त आने पर बता देंगे। जाने दो इसे। क्या कहने की हीरो ने अपनी हीरोइन के लिए? समुद्र से लेके कश्मीर की वादियों तक गाने गाए, गाते गाते पेड़ों के चक्कर लगाए, बम्बई दिखाई, दिल्ली दिखाई, चाट खिलाई, आइसक्रीम खिलाई, और एक तुम हो ए निर्दय कि मेरी सुनते ही नहीं। अरे सुनो तो, इतना सब करने के बाद कहीं जाके हीरोइन ने हाँ किया? अरे आप हैं कि बस अकड़े ही रहते हैं। इंस्पेक्टर कुड़ी चंगी है, जोड़ी भी मस्त है बिड़ू। अभी चुप। क्यों चल के क्या? लाइसेंस। लाइसेंस अभी तो दिया था ना। लाइसेंस नहीं है, बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाता है। इंस्पेक्टर शुक्ला। जी सर। इसको लॉकअप में बंद कर दो। उधर नीचे सुधर, चल चल चल। दो चार घंटे हवालात की हवा खिला के छोड़ देना। अबे हो इंस्पेक्टर बाहर निकल, जिससे तेरी दुश्मनी है वो खुद आया है। मेरा गुस्सा औरों पे क्यों निकालता रे? अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो बाहर आकर मेरे से मुकाबला कर। बाहर निकल। बाहर निकल साले। किस जुर्म में? बिना जुर्म के आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, समझे? I said arrest him. किसी को भी अरेस्ट करने से पहले वारंट की जरूरत होती है। तुम्हारे ऑफिसर को यह भी नहीं पता? तेरा मैंने पूछा नाम क्या है तेरा? सिद्धार्थ। पूरा नाम? पूरा नाम? सिद्धार्थ कृष्णकांत धर्म अधिकारी। कृष्णकांत कौन है? कृष्णकांत मेरे पिताजी का नाम है। तुझे कैसे मालूम वही तेरा बाप है? Arrest him now. Charge on duty police inspector पे हमला। मेरी
मेरी इजाजत के बगैर इसकी जमानत नहीं होगी। मिस माई ऑर्डर। भाइयों, हर हाथ को काम और हर घर में पानी और बिजली, ये हमारा चुनावी नारा ही नहीं था बल्कि आप लोगों के साथ हमारा एक वादा था। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अपना वादा हमेशा पूरा करते हैं, इसलिए आप लोग बेफिक्र होकर घर चले जाइए। लेकिन चौधरी साहब, आपको चुनाव जीते हुए तो 2 साल हो गए। अरे भाई, देश में सांप्रदायिक दंगे फसाद भी तो हो रहे हैं, सेंटर के क्या हाल हैं ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं। हर 6 महीने के बाद एक नया नेता 4 MPs को लेकर एक नई गवर्नमेंट फॉर्म कर लेता है। और हम जब भी जनता के लिए कोई नई योजना बनाते हैं, पता लगता है कि सेंटर में मिनिस्ट्री ही बदल गई। अब इन हालात में हम क्या करें भाई, मौका भी तो मिलना चाहिए। हाँ, अभी 3 साल और हैं और ये जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है ना, ये एकदम स्थायी गवर्नमेंट। अब आप देखिएगा हम अपनी जनता की सेवा किस तरीके से करते हैं। अब आप लोग जाइए, चौधरी साहब को किसी और मीटिंग में भी जाना है। जी नमस्ते। धन्यवाद। तो आज तुम्हारी यहां भी आने की हिम्मत हो गई? मुझे यहां मेरी हिम्मत नहीं बल्कि मेरी मजबूरी लाई है। जानती हूं तुम्हारी मजबूरी। कितने पैसे चाहिए? मैं पैसे मांगने नहीं आई हूं। सिद्धार्थ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसकी जमानत नहीं हो रही है। तो मैं क्या करूं? आपके बेटे ने ही उन्हें गिरफ्तार किया है। तो तुम्हारे भाई ने जरूर कुछ ऐसा किया होगा जिससे गौतम को अपना फर्ज निभाने के लिए उसे गिरफ्तार करना पड़ा। नहीं, उन्होंने अपना फर्ज नहीं बल्कि अपनी दुश्मनी निकालने के लिए सिद्धार्थ भैया को गिरफ्तार किया है। बहन, गलती चाहे किसी की भी हो लेकिन इज्जत तो इस घर की ही दांव पे लगी है। ठहरो।
क्या मैं पूछ सकता हूं कि वो कौन सी वजह थी जिसने आपको उसकी जमानत देने पर मजबूर किया? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं मां, ऐसी कौन सी जरूरत आ गई थी कि जिसने न्यायमूर्ति कृष्णकांत धर्म अधिकारी की बीवी मेरी मां को उस आवारा बच्चलन की जमानत देने के लिए पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ा? क्यों मां क्यों? इसलिए कि उस आवारा मुजरिम के साथ तुम्हारे पिता का नाम जुड़ा हुआ है, और मैं नहीं चाहती थी कि जिसके साथ मेरे पति का नाम जुड़ा है वो किसी पुलिस स्टेशन में एक लावारिस की तरह पड़ा रहे। शायद आप ये भूल रही हैं मां, यही है वो लोग जिन्होंने आपका सुख, आपका चैन, यहां तक कि आपका हक छीना है। यही है वो सौतन। एक बात तुम कभी मत भूलना बेटे, तुम्हारी मां को अपने हक से ज्यादा अपने पति की इज्जत कहीं ज्यादा प्यारी है। कहीं ऐसा ना हो कि मां के गौरव के लिए जो लड़ाई तुम लड़ रहे हो उससे तुम्हारे पिता की इज्जत पर दाग लग जाए। इंपॉर्टेंट और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं। इससे आपको विलास राव की दूसरी गतिविधियों की जानकारी मिलेगी, और रतलाम वाली फैक्ट्री के डॉक्यूमेंट्स मैं जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। धर्माधिकारी साहब को बता दीजिएगा। सुनिए, मेरे बीवी बच्चों को कुछ नहीं होगा ना? एक्सक्यूज मी सर। यस एक्सक्यूज मी सर, ये ड्रग प्रेजेंस की फाइल है सर। कुलाबा पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर गौतम स्पीकिंग। गौतम, मैं अंजलि। गौतम, डैडी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, जल्दी से आ जाओ ना। अच्छा, क्या हुआ उन्हें? पूछो मत, नब्ज ठक ठक चल रही है, दिल धक धक कर रहा है। He's very serious, जल्दी आ जाओ ना। भाई अगर सीरियस हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? किसी डॉक्टर को भेज दूँ? किसी डॉक्टर को भेजता हूँ, डैडी ने सिर्फ तुम्हें बुलाने के लिए कहा। इडियट, कमिश्नर साहब मेरे सामने खड़े हैं। कभी लाइफ में तरक्की नहीं करेगा, किसी ने सच ही कहा है, पहलवानों की अकल घुटनों में होती है। अब मैं क्या करूं? कुलाबा पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर गौतम हियर। आई वांट द कमिश्नर ऑफ पुलिस। लुक, मुझे ये ऑफिस में मजाक बिल्कुल। अगर अंग्रेजी नहीं समझते तो हिंदी में सुनो, मैं कमिश्नर साहब से बात करना चाहती हूँ। ओके, एक्सक्यूज मी सर, योर टेलीफोन। किसका है? आपकी बेटी। हेलो बेटी, क्या हुआ? डैडी, घर में चोरी हो गई है। चोरी हो गई? मैं अभी आता हूँ। नहीं 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 नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं, बड़ी मामूली सी चोरी है, और किसी मामूली सी चोरी के लिए इतने बड़े कमिश्नर का आना, इसी दुनिया हंसेगी। किसी छोटे मोटे हवलदार को भेज दीजिए। हवलदार को भेज दूं? वो क्या इंक्वायरी करेगा? हाँ, मैं इंस्पेक्टर गौतम को भेज रहा हूँ। इंस्पेक्टर गौतम? वो, लेकिन अभी वो तो नया है। एक बार किसी के पीछे पड़ गया ना तो फिर छोड़ता नहीं है। तो फिर उसे मेरे पीछे पड़ने के लिए कहिए ना। क्या? मेरा मतलब था चोर के पीछे पड़ने के लिए कहिए ना। समझ लो, तुमने फोन रखा और वहाँ पहुँचा दिया। वेल डन, वेल डन। डॉक्टर, खुशखबरी, 8 महीने, ये सब क्या चक्कर है? चक्कर तो हम दोनों की किस्मत ने चलाया। कितने मैसेज भिजवाए, बहुत स्मार्ट समझते अपने आप को। माजी को देती हूँ ये खुशखबरी। हाँ, देखो तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं प्रॉमिस तुम्हें कल आके मिलूंगा, प्लीज। नहीं नहीं, हाँ? ये कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ तक आई और माजी से ना मिलूं? वो क्या सोचेंगे अपने होने वाली बहू के बारे में? क्या सिद्धार्थ, कौन है ये लड़की? माँ वो नमस्ते माजी। अब मैं अपने मुँह से क्या कहूँ, आप अपने बेटे से ही पूछ लीजिए ना। खुशखबरी ऐसी है, अगर आप सुनेंगी तो खुशी से फूली नहीं समाएंगी। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ।
गीता। अच्छा हुआ तो चार्ली ने मुझे तुम्हारा पता बता दिया, अब तो मैं हर रोज आऊंगी, समझे? बाय। अरे रोज सिद्धार्थ, कौन थी? माँ वो सेल्स गर्ल थी, माँ वो साबुन वाली, साबुन। अच्छा तो फिर तू इतना परेशान क्यों है? हाँ? परेशान और मैं? नहीं नहीं माँ, क्या बात कर रही हो तुम? तू माँ से कुछ छुपा रहा है, सच सच बता, ये लड़की कौन थी? अरे माँ वो राह चलते हुए ऐसे मिल गई मैं, और कुछ नहीं माँ। राह चलते हुए और घर पहुँच गई, नालायक कहीं का काम नहीं, नौकरी नहीं, और बोल बता, एकता को मेरे घर का पता क्यों दिया? बोल। अरे क्यों मार रहा यार उसे बेकार में? क्यों मार रहा यार बेकार में? सुबह सुबह एकता घर पे आ गई थी, माँ और गीता के सामने बहुत ड्रामे किए। माँ जी मैं इनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चुप है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हें पता है एकता की इस हरकत की वजह से माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अच्छा तो उसने ऐसी गंदी हरकत की हमारे दोस्त के साथ? हाँ यार। बनाया है जिसने तुमको, देखो उसे कैसे हम बनाते हैं, माँ बनने से पहले भाभी उसे हम बनाते हैं। चुप है, जाके बैठ। आंटी जी आपके साथ होटल में आने का मजा ही कुछ और है, जितना भी खाओ बस खाते जाओ। अरे 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 एकता ये क्या कर रही हो तुम? नमस्ते जी। नमस्ते। डॉक्टर ने ये सब चीजें खाने से मना किया ना तुमको? क्या हुआ मेरी बेटी को? अरे एकता तुमने आंटी जी को बताया नहीं? क्या हुआ, क्या क्या बताया नहीं? वही तो आंटी जी, वही जो एकता ने आपको बताना चाहिए था। बाय द वे एकता देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या चीजें ले आया हूँ, कच्ची कैरी, इमली, तुम्हें खट्टी चीजें खाने का बहुत शौक है ना, मैं सब कुछ ले आया हूँ। बाय द वे एकता ये महीना कौन सा चल रहा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा या नौवां महीना चल रहा है? नौवां महीना, ओह माय गॉड। एकता ये सितंबर महीना ही तो चल रहा है ना बेटा, तो फिर? उफ आंटी जी आपने तो मुझे डरा दिया था, मैं उस कैलेंडर वाले नवे महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वो। नमस्ते नमस्ते भाभी जी। मुबारक हो सिद्धार्थ साहब, मुबारक हो। भाई अब हम आपसे एक नहीं दो दो पार्टियां लेंगे, क्योंकि अब आप एक नहीं दो दो बच्चों के बाप बनने वाले हैं। आई मीन जुड़वा जुड़वा। और अभी अभी हम डॉक्टर से इनकी सोनोग्राफी की रिपोर्ट लेकर आए हैं। तुम बैठो। सॉरी आंटी जी। इडियट्स। देखो तुमने मेरे साथ जो भी किया है। पीस पीस। बाय द वे कौन थी ये? मेरी अपनी आंटी, जिनका सुने में कोई नहीं है, न पति न बच्चे, इन्होंने ही मेरी परवरिश की है। अच्छा, वेरी बैड। अच्छा आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। नॉट अगेन। नमस्ते। Sir, I love her. मैं और अंजलि शादी करना चाहते हैं। बेटे हर बाप को उसकी बेटी प्यारी होती है, मगर अंजलि को माँ का भी प्यार मैंने दिया है, अगर वो खुश है तो मुझे कोई इतराज नहीं, मगर मैं ये नहीं चाहता कि अंजलि के साथ भी वही हो जो धर्माधिकारी के। इस मामले में मेरे पापा को बीच में मत लाइए। आई एम सॉरी गौतम, तुम्हारी शादी की बात हो रही है तो तुम्हारे पापा के जिक्र तो आएगा ही ना। कृष्णकांत जी आए नहीं अभी तक? बस आते ही होंगे। देखो बेटे हम लोग लड़के वाले हैं, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता हमसे पहले लड़की के पिता के यहाँ होना जरूरी था? अरे भाई एक बेटी के सगाई से ज्यादा जरूरी काम एक बाप के लिए और क्या हो सकता है? अरे आप लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं, मैं आपके लिए ठंडा लेके आता हूँ। माँ अब तो आपको पता चल गया ना कि पापा हम सबको कितना मानते हैं। देख ये गुस्सा करने का समय नहीं है,
वो जरूर आ जाएंगे। तू बाहर जाकर उन लोगों को संभाल। मैं उन्हें कब तक संभालू माँ? मैं जानता हूँ पापा जानबूझकर नहीं आ रहे, आखिर मैं उन लोगों को क्या कहूँ? भैया वैसे भी मुझे ये लड़का पसंद नहीं है। तू चुप कर। देख गुस्सा मत कर, जा बाहर जा तू। तुम्हें भी शादी करने के लिए यही मर्द मिला था? बहुत हो चुका, अब चले। अरे मेरी बात तो सुनिए प्लीज, मेरी बात तो सुनिए प्लीज। देखो बेटे, हम लोग उनमें से हैं जो अच्छे खानदान के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, भले वो खानदान पहली बीवी से हो या फिर दूसरी से। खानदान उसे कहते हैं जिसका कोई जन्मदाता होता है। एक बीवी और रखेल में फर्क होता है बेटे। सिद्धार्थ, मेरा गिरे बंद पकड़ने से कोई फायदा नहीं। अपने बाप से जाकर पूछो उसने तुम्हारी माँ के गले में मंगलसूत्र पहनाया था या सिर्फ दिल बहलाने के लिए। आज तक वही तो करता आया हूं, लेकिन आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा। आपने उन लोगों को गीता के रिश्ते के लिए बुलाया था ना, और उन्हीं लोगों ने मेरी मां का रिश्ता एक बाजारू औरत से जोड़ दिया। आपको अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलकर उन लोगों को यह बताना होगा कि आपका और मेरी मां का क्या रिश्ता है। सिद्धार्थ, तुम्हारी दादी मां आपको मेरे साथ नहीं आने देंगी, यही कहना चाहते हैं ना आप? लेकिन आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा, दादी मां की भी नहीं, क्योंकि आज उनकी और उनके खानदान की इज्जत का नहीं बल्कि मेरी मां की इज्जत का सवाल है। बेटे हटे, समझाना मत मुझे। दादी मां, मैं आपके बेटे को अपने साथ लिए जा रहा हूं और आज आप उन्हें नहीं रोक सकती। आज तक आप बोलती रही और मैं सुनता रहा, लेकिन आज आज आप कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं। सीधे बैठना यार, क्यों हवाई जहाज की तरह टेक ऑफ कर रहा है? टेक ऑफ नहीं कर रहा हूँ, वो दो दिन से हवा खा खा के और पानी पी पी के पेट में गैस भर गई है, वो निकाल रहा हूँ। संभाल नहीं तो कोई बाजू में सिगरेट जलाएगा तो भाड़ से फटेगा, सब मेरे ऊपर उड़ा देगा। तो एक काम करना,
कोई गैस कंपनी में चला जाना, तेरे दर से गैस निकलेगी तो खाने को कुछ पैसा तो मिलेगा। अरे गैस से मेरी आत्मा निकल रही है, बोले गैस कंपनी में चला जा, क्या आदमी है। एक और आइडिया है, तू मर जा ना। क्या दोस्त है बोलता, मर जा। अरे इसके आवाज से परसों नहीं मरा था क्या? अच्छा वो वाला, हाँ तो मरने से क्या हुआ, 3 रुपए मिले, सब समझते हैं। पब्लिक बहुत सहनी हो गई है, और 3 रुपए में एक प्लेट भजिया भी नहीं आता है। एक काम कर तू, दूसरा आइडिया मेरे पास। अरे क्या करता, सोचने देता कि नहीं? दूसरा आइडिया, तू आज मर मत। मेरे नौजवानों, मेरे देशवासियों, मेरे भाइयों, इसको देखो, ये जो आपके सामने अपाहिज, लंगड़ा, लूला, मजबूर बैठा है, ये भिखारी नहीं है, ये सिपाही है, ये हवलदार वफादार है। ये जब अपने घर से निकलता था वर्दी पहनकर, तो चोर अपने घर में घुस जाते थे, डाकू दुम दबाकर भाग जाते थे, और स्मगलर अपने बिल में घुस जाते थे। लेकिन एक दिन उन सब लोगों ने मिलकर इसको इतना मारा, इतना मारा कि इसकी हड्डियां केले के गूदे की तरह नरम होकर रह गई। तो आज ये अपने गांव वापस जाना चाहता है, अपनी माँ के पास। लेकिन अफसोस, इसकी माँ देश की आखिरी कोने में रहती है, जहां न ट्रेन जाती है, न बस जाती है, न लॉरी जाती है, न कोई सड़क जाती है। और अगर मैं इसको बैलगाड़ी में बिठा कर लेके जाऊंगा तो ये 4 जन्म के बाद उधर पहुंचेगा। तो फिर इसका इलाज क्या है? एक ही इलाज है भाई, अगर ये हवा में उड़ के वहां पहुंच जाए। अच्छा अच्छा, हवाई जहाज से जाना है। हाँ जाहिर बात है भाई, लेकिन ये गरीब पुलिस वाला जो सारी जिंदगी बिना टिकट के बस में लटक के जाता था, कभी ऑटो रिक्शा में बैठने की जिसकी ताकत नहीं थी, वो हवाई जहाज में कहां से जा सकता है। लेकिन हाँ, आप लोग अगर मेहरबानी करें तो ये अपनी माँ के पास जा सकता है। लाभ भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारे बाल बच्चों को सुखी रखे। लाभ लाभ, गरीब की झोली भर दे जाओ। अबे ठहरना यार, अबे ठहरता कि नहीं? अबे चुप करना। देते जा भाई, ला भाई, मेहरबानी। उधर पीछे कोई है? अरे ये तो ठीक है यार, पब्लिक को बेवकूफ बनाता है, मार साले को। एक सुंदर लड़की को रात में अकेले खाली डिब्बे में सफर करना नहीं चाहिए। अकेली लड़की देखकर खाली डिब्बे में कोई भी अंदर आ सकता है, पास बैठ सकता है, कहीं भी हाथ लगा सकता है। अपने बाप धर्माधिकारी को जाके समझा दे, चौधरी कमीशन की रिपोर्ट सोच समझ कर दे, वरना एक दिन वो घर से निकलेगा सही सलामत, लेकिन पहुंचेगा टुकड़े टुकड़े होकर। क्या बोला बे तू? हाँ क्या बोला? किसको काटेगा? किसको काटेगा तू? हाथ लगाएगा? किसकी टांग तोड़ेगा? हाथ लगाएगा? लगा हाथ, लगा हाथ। गौतम, लगा हाथ, लगा हाथ साले।
हाथ लगाने की बात तो दूर, अगर आंख उठा के भी देखा तो तेरी दोनों आंखें निकाल दूंगा। चल बैठ। अबे चुप। आइए ना। अच्छा चलो भैया। शुक्रिया। गौतम भैया नहीं हो सिद्धार्थ। इस नीचता पे उतर आया तू? पापा का जरा भी ख्याल नहीं तुझे? काश तू मेरे कोख से पैदा ही नहीं हुआ होता। चल सिद्धार्थ, इंसान को जिंदगी में समझौते करने पड़ते हैं, उसके बिना जिंदगी नहीं चलती। ये सुरमई रात अंधेरे से उजाले का एक समझौता है, फिर भी कितना खूबसूरत है। क्या तुम अपनी जिंदगी को इतना खूबसूरत नहीं बना सकते? गंदी नाली के कीड़े, तेरी ये हिम्मत के विलासराव चौधरी के सफेद दामन पर दाग लगाने की कोशिश करे? डैडी, बकवास मत कर। तुझे शायद मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। देख लिया आपने प्यार करने वालों की ताकत का अंदाजा? रखेल की औलाद, अपनी औकात भूल गया तू? ये विलासराव चौधरी का थप्पड़ तो सिर्फ आने वाले तूफान का आगाज है, अंजाम बहुत भयानक होगा। औलाद, अपनी औकात भूल गया तू? रखेल की औलाद, अपनी औकात भूल गया तू? चल बदतमीज, तेरी ये हिम्मत, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। उस हरामजादे की जिंदगी में अंधेरा नहीं भर दिया तो मेरा नाम विलासराव चौधरी नहीं। Thank you.
गलती मेरी थी जो तेरी बुआ के पास तुझे पढ़ने के लिए छोड़ दिया। अब ये गलती नहीं होगी। डैडी, आपने इन चंद तस्वीरों के टुकड़े टुकड़े तो कर ही दिए, मगर शायद आप ये भूल रहे हैं कि एक तस्वीर यहाँ भी है मेरे दिल में। पढ़ाई हाथ और चीटा ले इसे, चीटा ले इसे। आज के बाद तू घर से बाहर नहीं जा सकती। ये खामोशी कहीं आने वाले तूफान से पहले की तो नहीं? हाँ, ये वही खामोशी है जिसका अंत तुम्हारे खानदान की आखिरी चीख से होगा। नहीं चौधरी साहब, सिद्धार्थ इतना कमजोर नहीं कि तुम्हारी गीदड़ भपकियों से डर जाए। सिद्धार्थ सफेद दामन वाले चौधरी को यह बताने आया है कि तुम्हारे थप्पड़ का जवाब मैं उसी वक्त दे देता, मगर मैंने तुम्हारा लिहाज किया क्योंकि तुम उस लड़की के बाप हो जिसे मैं प्यार करता हूं। और हां, तूने जो मुझे गाली दी थी उसका जवाब भी साथ लाया हूं। रखेल औरत की कोई जात नहीं होती चौधरी, और ना ही कोई औरत किसी जायज या नाजायज औलाद की मां कहलाती है। वो तो सिर्फ मां होती है, मां। मैं बेटा रखेल का ही सही, मगर एक बाप का हूं। लेकिन तूने इस समाज को और देश को अपने घिनौने पापों से गंदा करके यह साबित कर दिया है कि तू एक बाप की नहीं, कई बापों की औलाद है। खामोश हरामजादे! चिल्ला मत चौधरी। एक दिन इसी चौखट से तेरी बेटी की डोली लेकर जाऊंगा। यह उस मां की औलाद का वादा है तुझसे। अब तो ऐसी तबाही मचाऊंगा कि पूरे धर्म अधिकारी खानदान की नस्ल ही खत्म कर दूंगा। रतलाम, चौधरी साहब की फैक्ट्री से ही आ रहे होंगे? हाँ, नहीं वो धर्माधिकारी साहब ने ये फाइलें मंगवाई होंगी। नहीं, ये मेरी पर्सनल फाइलें हैं। पर्सनल? और कौन कौन सी फाइलें तुमने धर्माधिकारी तक पहुंचाई? मैं? कोई नहीं। लाओ, मुझे दे दो, मैं इन्हें पहुंचा देता हूँ। नहीं, ये मेरी पर्सनल फाइलें हैं। बस रखो। मिस्टर सक्सेना, अगर चौधरी साहब वफादार के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो गद्दार के लिए कुछ भी करा सकते हैं। तो तू सरकारी गवाह बन गया, चौधरी का डर नहीं लगा, पुलिस के मार से डर गया। हाँ, मैं सिर्फ चौधरी से डरता हूं, बस उसका हुक्म मानता हूं।
जनाब धर्माधिकारी साहब, होली के शुभ अवसर पर ऐसी अशुभ खबरें नहीं बढ़ा करते। नमस्ते भाभी। आज हमने फिर से आपको एक बार चौंका दिया ना। इस बार तो आपने कहीं इधर उधर कैमरे लगाकर नहीं रखे हुए ना। धर्माधिकारी साहब, आज होली का दिन है, पुरानी बातें भूल जाएं। देखिए, हम तो ठहरे पॉलिटिशियन लोग, हर उल्टी बात का कोई सीधा मतलब निकाल लेते हैं। नहीं, अब आपकी इंक्वायरी से हमें तो कुछ फर्क पड़ा नहीं, तो क्यों ना इस बात का कोई फायदा उठाया जाए। कैसे? वो ऐसे कि आप प्रेस में एक छोटा सा स्टेटमेंट दे दीजिए कि हमने विलासराव चौधरी के खिलाफ जो इंक्वायरी की थी उसमें से कुछ नहीं निकला, वो एक ईमानदार आदमी है, सच्चा आदमी है, इससे मुझे अगले इलेक्शन में बहुत फर्क पड़ेगा। मुझे अफसोस है मंत्री जी, आप अपना अगला इलेक्शन लड़ नहीं पाएंगे। ओ, तो आपको अभी भी उम्मीद है कि इस इंक्वायरी में से कुछ निकलेगा? हुजूर, आज तो इंक्वायरी का आखिरी दिन है। आखिरी दिन जरूर है मिस्टर चौधरी, लेकिन इस आखिरी दिन में अभी बहुत घंटे बाकी हैं। जब इतने महीनों में कुछ नहीं हो सका तो कुछ घंटों में क्या होगा। हाँ, हो सकता था अगर मेरा सेक्रेटरी सक्सेना जिंदा होता, लेकिन वो तो पड़ा हुआ है मुर्दा घर में, और मुर्दे बोला नहीं करते। मुर्दे तो नहीं बोला करते, लेकिन कभी कभी मुर्दों का खून कातिल का पता अपने आप दे जाते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि मरने से पहले बस की सीट के पीछे खुद सक्सेना ने अपने खून से लिखा था कि उसका खून आपने करवाया है। कल मैं कमीशन के सामने अपनी रिपोर्ट रख रहा हूं मिस्टर चौधरी, इसलिए जी भर कर आज होली खेल लीजिए, क्योंकि यह होली आपकी जिंदगी की आखिरी होली है। Oh,
जानवरों की तरह। पुरानी दुश्मनी है। दुनिया के अंदर दो सौतेले भाइयों में अगर प्यार की मिसाल राम और लक्ष्मण ने कायम की है तो एक मिसाल तुम दोनों की भी है। लेकिन प्यार की नहीं, नफरत की, खून खराबे की। और क्या दिन चुना है अपनी नफरत का ढिंढोरा पीटने के लिए? आज होली के दिन जब दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं तो तुम दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तुम्हारी नफरत की तलवार ने तुम्हें नहीं बांटा बल्कि तुम्हारे इस बाप के कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसके सपनों के मंदिर और उसकी उम्मीदों को चूर चूर कर दिया। जब किसी के घर बेटा पैदा होता है तो बाप डंका बजा बजा कर दुनिया वालों को बताता है कि मेरे यहां बेटा पैदा हुआ है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि उसका वंश बढ़ाने वाला कोई आ गया है। लेकिन अफसोस, मेरे दो बेटे मेरा वंश बढ़ाना नहीं चाहते बल्कि उसको मिटाना चाहते हैं। मेरे सर को फक्र से ऊंचा नहीं बल्कि उसको शर्म से झुकाना चाहते हैं। क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि भगवान ने मुझे राम और लक्ष्मण दे दिए, लेकिन मैं भूल गया कि दशरथ जैसी किस्मत सबको नहीं मिलती। क्या फर्क रखा है मैंने तुम दोनों की परवरिश में? अरे अगर यकीन नहीं आता तो अपने इस बाप का सीना फाड़ कर देख लो। इसमें गौतम के लिए प्यार भरा है तो सिद्धार्थ के लिए मोहब्बत भी। तुम्हारा आज बदनसीब बाप तुम दोनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि जिस इज्जत को गैरों ने नहीं उछाला उसे अपनी नफरत की ठोकरों से धूल में मत मिलाओ। दुनिया के सामने मेरा तमाशा मत बनाओ। वरना याद रखना अपने बाप की इस बात को कि तुम्हारी इस हरकत के बाद दुनिया का कोई भी बाप भगवान से एक बेटे के बाद दूसरा बेटा नहीं मांगेगा। मुझे तो दुख है कि इस दिन को देखने के बाद मैं जिंदा क्यों हूं। शर्माती है मुझे तुम दोनों पर। गौतम, तेरे पापा कहाँ हैं? ऑपरेशन थिएटर में। क्या हुआ उनको? बोलना क्या हुआ उनको? वो ठीक तो है? आप चलिए मेरे साथ।
हॉस्पिटल के चारों तरफ मुझे टाइट सिक्योरिटी चाहिए। मिस्टर पाटिल, आईसीयू में मुझे दो आदमी चाहिए। मेरी इजाजत के बगैर कोई अंदर नहीं आएगा सिवाय ऑफिशियल स्टाफ के। इज दैट क्लियर? बी अलर्ट। विलास राव इस समय बनी पार्क वाले बंगले में है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की गाड़ी बीटी से थाना तेज जाएगी। विलास राव, अगर मेरे पापा अस्पताल से जिंदा नहीं आए तो तू भी जिंदा नहीं बचेगा। ए लड़की, कहाँ जा रही है? ये पूजा के फूल है, मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी पापा जल्दी ठीक हो जाएं। आप ये फूल उनके सिर के पास रख दीजिए ना। तुम खुद जाकर ही रखाओ, जाओ। बहन साहब, ये लड़की। कोई बात नहीं। विलास राव चौधरी, बाहर निकल। कृष्णकांत धर्म अधिकारी को कुचलने की साजिश में तेरे एक कुत्ते को अंदर बंद कर चुका हूं मैं। अब तेरी बारी है, सुना तूने? उनको होश है? डॉक्टर कह रहे थे अगर 12 घंटों में उनको होश नहीं आया तो वो कोमा में चले जाएंगे। तुम उनके पास जाकर बैठो, इन्हें कुछ होगा तो नहीं? Thank you.
अब तो तेरी चिता ही जलेगी। आप कोई फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। मैंने यहां के डॉक्टर्स को ऑर्डर्स दे दिए हैं, इनका अच्छे से अच्छा इलाज करें, कोई कमी ना छोड़ें। कृष्णकांत धर्माधिकारी जैसे महापुरुष की जरूरत सिर्फ आपको ही नहीं, सारे समाज को है, सारे देश को है। किसी किस्म की तकलीफ हो तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। तू इधर कैसे पहुंचा बेसाले? किसने चुराया तेरे को? बोल कौन चुराया तेरे को? इंस्पेक्टर, ये यहां है तो किसी ने छुड़ाया ही होगा। वैसे इंस्पेक्टर, ये हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में ऊंची आवाज में बात नहीं करते। हाथ जल जाएगा, छोड़ दो इसे, जाओ अपने बाप को संभालो। चलो ड्राइवर। भैया, भैया पापा को होश आ गया। उसे बचना नहीं चाहिए। चौधरी साहब, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हॉस्पिटल में बहुत सिक्योरिटी है। उसका इंतजाम हो जाएगा। वेट, किसे पूछ के सिक्योरिटी हटाई जा रही है? सर, वायरलेस पे भी ऑर्डर आया है, खेतवाड़ी में दंगा हुआ है, हम सबको पोजीशन संभालने के लिए कहा गया है। पुलिस डिपार्टमेंट में और लोग नहीं है? सर, हमारे लिए यही ऑर्डर है। सिद्धार्थ, तुम्हें पापा ने बुलाया है। गौतम, हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। भैया, पापा आपको बुला रहे हैं। लगता है जो जिम्मेदारियां मुझे सौंपी गई थी उन्हें मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। वादा करो कि तुम दोनों मिलकर उन जिम्मेदारियों को पूरा करोगे। वादा करो। पापा की जान खतरे में है। क्या? मैंने खुद सुना है, मेरे डैडी कह रहे थे शायद इसलिए यहां से सिक्योरिटी हटाई गई है। मैं सच कह रही हूं। हाँ।
उसी के लोग हैं। मैं पहचानता हूं इन्हें। हमें कमरा बदलना चाहिए। डॉक्टर, रूम नंबर 2 में पेशेंट की जान को खतरा है, मुझे दूसरा रूम चाहिए। तो आपको सीनियर डॉक्टर से परमिशन लेनी होगी। क्या? पापा, हमें कमरा बदलना पड़ेगा, इनकी जान को खतरा है। डॉक्टर। यस। हमें इसी वक्त कमरा बदलना होगा। क्यों? हमारे पापा की जान खतरे में। कल सुबह तक इस देशभक्त कृष्णकांत धर्म अधिकारी की चिता जलनी चाहिए। संभल के। नहीं, होशियारी नहीं, हट जा, नहीं तो इस बुड्ढे के साथ साथ तुम दोनों की खोपड़ियां उड़ा डालूंगा। अरेस्ट हिम। जल्दी 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 निकल। पीछा कर रहे हैं। हाँ,
गौतम बोलो पास आ रहे हैं, गाड़ी तेज भगाओ, गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है। गाड़ी की टंकी खोल करके आग लगा दो। गौतम, उन्होंने टंकी में आग लगा दी। चारों तरफ आग ही आग है। सिद्धार्थ तू कूद जा। मगर पापा, सिद्धार्थ तू जा। जेंटलमैन, आज हम सब लोग जमा तो यहां इसलिए हुए थे कि आज विलासराव चौधरी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आने वाली थी, लेकिन मुझे ये बताते हुए बेहद अफसोस हो रहा है कि उस रिपोर्ट को पेश करने वाले न्यायमूर्ति कृष्णकांत धर्माधिकारी अब हमारे बीच सर, एम्बुलेंस उड़ाने के बाद हमें पता चला कि उसमें धर्माधिकारी नहीं था। सर, मिस्टर धर्माधिकारी, वी आर प्राउड ऑफ यू।